गुड मॉर्निंग, सभी आनंदित होंगे, मैं आशा करता हूँ, खुश होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज हम कुछ ऐसी बातों को देखने जा रहे हैं जो आपके लिए हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मददगार हो। एक उदाहरण के साथ हम देखेंगे। एक आदमी था और उसके पास एक छोटा हाथी था, मतलब बच्चा, और उसने उस हाथी के बच्चे को एक खूंटी पर बांध दिया। ज़्यादा मोटी नहीं थी, पतली थी, वहाँ पर बांध दिया। लेकिन वो जो छोटा हाथी का बच्चा था वो बार बार उसे खींचता था, तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वो छोटा बच्चा था इसलिए वो टूट नहीं रहा था। बार बार कोशिश कर रहा था, टूट नहीं रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो मन से हार गया, मतलब तोड़ते तोड़ते वो टूटा नहीं, इसलिए वो फिर कोशिश नहीं किया और वो अपने मन से हार गया। और एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे ही बड़ा होता गया और बड़े विशाल हाथी में बदल गया। और उसने तोड़ना नहीं चाहा, वहीं बंधा रहा। जब भी बांधता है वो कोशिश नहीं, पहले बांधते थे और थोड़ी देर में तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन फिर वो तोड़ने की कोशिश नहीं किया। बड़ा हो गया तब भी वो तोड़ने की कोशिश नहीं किया और वो बंधा रहता था। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कई बार हम पहले कोशिश करते हैं किसी काम को करने के लिए, सक्सेस बनने के लिए या सफलता बनाने के लिए अपने जीवन को, हो सकता है अपने काम पर, बिजनेस पर, जॉब पर हम कोशिश करते हैं पहले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोशिश करने के बाद हम हार जाते हैं, असफलताएं मिलती है और हम उस असफलता के कारण, नाकामी के वजह से उसको हम छोड़ देते हैं। जिस प्रकार वो छोटा हाथी था उस समय उसने छोड़ दिया, और जब विशाल हाथी हो गया, बड़ा हो गया, तब भी उसने कोशिश नहीं किया। ऐसे ही कई बार हम अपने मन से हार जाते हैं, हम कोशिश करते हैं और फिर बाद में नहीं हो पाता है तो हम फिर बाद में कभी कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और हम वहीं की वहीं रह जाते हैं। उस हाथी के अंदर ताकत थी, वो विशाल हो गया था, बड़ा हो गया था, उसके अंदर ताकत थी, एक ही झटके में उसको तोड़ सकता था। बड़ा हो गया उसके बाद वो एक ही झटके में उसको तोड़ सकता था, लेकिन उसने मन से सोच लिया कि ये खूंटी कभी मुझसे नहीं टूटेगी, इसलिए उसने कोशिश भी नहीं की। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते हैं, असफलता को प्राप्त करते हैं तो हम उसको कोशिश नहीं करते हैं, और उसके बाद हम मन से हार जाते हैं, दिल से हार जाते हैं और कहते हैं यार ये मुझसे काम कभी नहीं होगा, मैं इसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, ये गलत फहमी है। आप कोशिश करते रहिए, आप कभी हार ना माने। आप अगर कोशिश करोगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। यदि वो विशाल हाथी एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश करता तो वो एक ही झटके में टूट जाता, एक ही सेकंड में टूट जाता, क्योंकि वो बड़ा हो गया था। अगर हम भी, यदि अभी भी आप मुश्किल में पड़े हैं असफलता को लेकर, या टेंशन में पड़े हैं, चिंताओं में लेकर, या आप हार गए होंगे मन से, तो प्लीज़ अभी भी मौका है, आप अभी शुरुआत कीजिए। अगर आप, आपके मन में ऐसी सोच है कि मैं नहीं कर सकता, दोस्तों अभी भी मौका है, आप मन से ना हारें, अपने दिल से कहें और मन से कहें कि तू कर सकता है। जब आपने शुरुआत की थी, हो सकता है आप छोटी सोच लेकर शुरुआत की होगी, लेकिन अब आपकी सोच बड़ी हो गई है, आपका मन अब बड़ा हो गया है, अब वो छोटा हाथी के समान नहीं रहे, अब बच्चे के समान नहीं रहे। आप चालू तो कीजिए, फिर से स्टार्ट तो कीजिए उस काम को, अब जरूर सफलता को प्राप्त करोगे। यदि आपने अभी छोड़ दिया है उस काम को या बिजनेस को, या हो सकता है कोई भी काम, जीवन में ऐसे बहुत से काम हैं जिसमें हम हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन यदि आपने हार मान के उस काम को पेंडिंग में छोड़ दिया है, प्लीज़ अभी भी मौका है, आप कर सकते हैं, आप हार कभी ना माने, अपने जीवन में जरूर सफलता को प्राप्त करोगे, अपने जीवन को जरूर आशीष में करोगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, आप छोटे नहीं रहे, अब हाथी का बच्चा छोटा था उस समय, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, उसने कोशिश नहीं की और वो हार गया। हमें नहीं हारना है, खुश रहें, आनंदित रहें।